कल विधानसभा चुनाव में वोट का दिन है और इससे पहले एक मुलाकात को लेकर विवाद है। यह मुलाकात दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायक और मानखुर्द शिवाजी नगर से महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार अबू आजमी और अपने बयानों को लेकर विवादित इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सलमान अजहरी के बीच है। बीजेपी के किरीट सुमैया ने आरोप लगाया कि अबू आजमी मुफ्ती सलमान से आशीर्वाद दे रहे हैं, जबकि उन पर हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण के केस दर्ज हैं। यही नहीं, गुजरात में असामाजिक गतिविधि निरोधक कानून के तहत भी केस दर्ज है। भड़काऊ भाषण को लेकर इस साल गुजरात में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। जी, तो मैं तो खासतौर से अभी तो आया कि आप मुझे दुआ कीजिए कि मैं इस इलेक्शन में चौथी बार लड़ा इलेक्शन। अच्छा, इस इलेक्शन में मुझे कामयाबी मिली, क्योंकि मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 6-5 लोग लड़ने वाले हैं और 1,50,000 वोट है नाम उसको एक लड़ने वाला है। अगर वोटों का बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार बार करते हैं, आपके साथ विनम किया ही, तो ये लोग चुनकर नहीं आना चाहिए। मैं आपसे दुआ कर रहा हूँ। बिल्कुल, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। लेकिन आसिफ भाई, मैं आपके सामने खुल करके इजहार भी करता हूँ जी कि हमारा नेताओं से या लीडरों से कोई दूसरा मुतालबा नहीं होता, ना ही कोई लेन देन के मामला होते हैं। बस मैं महज इतना चाहता हूँ कि मेरा मिशन है नामों से रिसालत की हिफाजत, समझ रहे होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत, उस पर कोई उंगली ना उठाए, कभी गुस्ताखी ना हो। और अगर मेरा मैनिफेस्टो आप देखेंगे, मैं तो आज आपसे मिल रहा हूँ ना, मेरा मैनिफेस्टो 20 दिन पहले बन चुका है। उसमें पहली जो मेरी मांग है कि मैं अगर सत्ता में आया, पावर में आया, तो मैं सत्ता पक्ष से उसमें एक कानून जरूर बनवाना चाहूंगा कि जो जिन्होंने भी हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफ कुरान शरीफ जलाने का या फिर गाली देने का ऐसी चीजें आई ना, तो उसको UAPA के कानून में बंद किया जाए। ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। बिल्कुल। अब महाविकास आघाड़ी के नेता अबू आजमी मुफ्ती सलमान अजहरी से मिल रहे हैं। ये वही मौलाना है कि जिनके खिलाफ हिंदुओं के विरुद्ध में भड़काने वाले भाषण करने के लिए कार्रवाई हो रही है। इसके पहले राहुल गांधी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सेना के नेता मौलाना सज्जाद नुमानी के सामने घुटने टेक रहे थे, मुस्लिम वोटों के वोटों के लिए वोट जिया जिंदाबाद, ये MVA का नारा बन चुका है। ऋत्विक भालेकर मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋत्विक, वोट की राजनीति तो हर पार्टी करती है, अगर अबू आजमी ने कर लिया तो क्या गलत है? लोग तो जिन पर केस दर्ज होता है उनसे मिलने जेल तक पहुंच जाते हैं, तो इसमें अगर वो अजहरी से मिल रहे हैं तो इसमें बीजेपी को क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? जी बिल्कुल, देखिए वोट जिहाद लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिससे बीजेपी और महायुति को बहुत बड़ा झटका सहना पड़ा। चाहे वो धुले लोकसभा क्षेत्र से मालेगांव विधानसभा क्षेत्र हो या फिर मुंबई में जो मानखुर्द शिवाजी नगर जहां से खुद अबू आजमी मैदान में उतरे हैं वो विधानसभा क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं इस एक विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी को मात खानी पड़ी थी और लगभग 1,00,000 से ज्यादा वोट जो है वो महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी को मिले थे। अब ऐसे में इसे वोट जिहाद कहना और महाविकास आघाड़ी के नेता, चाहे वो सज्जद मौलाना नुलानी हो या तो फिर अब सलमान अजहरी हो, इनसे मुलाकात करने के बाद यही मुद्दा बार बार लगातार किरीट सोमैया उठाते दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं इसे वोट जिहाद का नाम देकर वोटों की कंसोलिडेशन करने की कोशिश बीजेपी से की जा रही है। ठीक है, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं, जब ये मुलाकात हुई तो अबू आजमी क्या कुछ कह रहे हैं। जी, तो मैं तो खासतौर से अभी तो आया कि आप मुझे दुआ कीजिए कि मैं इस इलेक्शन में चौथी बार लड़ा इलेक्शन। अच्छा, इस इलेक्शन में मुझे कामयाबी मिली, क्योंकि मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 6-5 लोग लड़ने वाले हैं और 1,50,000 वोट है नाम उसको एक लड़ने वाला है। अगर वोटों का बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार बार करते हैं, आपके साथ भी मैंने किया ही, तो ये लोग चुनकर नहीं आना चाहिए।
मैं आपसे दुआ करूँगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। लेकिन आसिम भाई, मैं आपके सामने खुल करके इजहार भी करता हूँ जी कि हमारा नेताओं से या लीडरों से कोई दूसरा मुतालबा नहीं होता, ना ही कोई लेन देन के मामला होते हैं। बस मैं महज इतना चाहता हूँ कि मेरा मिशन है नामों से रिसालत की हिफाजत, समझ रहे होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत, उस पर कोई उंगली ना उठाए, कभी गुस्ताखी ना हो। और अगर मेरा मैनिफेस्टो आप देखेंगे, मैं आज आपसे मिल रहा हूँ ना, मेरा मैनिफेस्टो जिस दिन पहले बन चुका है, उसमें पहली जो मेरी मांग है कि मैं अगर सत्ता में आया, पावर में आया, तो मैं सत्ता पक्ष से उसमें एक कानून जरूर बनवाना चाहूंगा कि जो जिन्होंने भी हुजूर के खिलाफ कुरान शरीफ जलाने का या फिर गाली देने का ऐसी चीजें आई ना, तो उसको UAPA के कानून में बंद किया जाए। ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है, बिल्कुल। अगर उनके लिए कुछ होता है ना, तो वो तो उसको पकड़ के उसको बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल, हमारे मजहब के खिलाफ होता है ना, तो उसमें मुकदमा भी नहीं करते लोग। ये कहा ना, जो सरकार बैठी हुई है सिर्फ उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हम इस सिलसिले में मेरी दुआ है, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं से और लीडरों से जो भी चुन करके जाए, यही मुतालबा करता हूँ कि आप कौम और मिल्लत और मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए काम तो कर रहे हैं, इसी तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत करना, ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारा ईमान है। आप इसमें आगे बढ़ते हैं, हम आपके साथ। बिल्कुल, हम हमेशा बनेंगे। अगर मैं मुसलमान हूँ, मेरा पहला फर्ज होता है ये कि मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूँ अगर ऐसा होता है। बिल्कुल।